इस आप वीडियो में सीखोगे कि हम कंप्यूटर को कैसे असेंबल्ड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इस ट्रे को लगाना है। ट्रे को ऐसे लगाना है तिर की तरफ को, तो इसको हम ऐसे बैठाते हैं और दबाते हैं। तो इधर से आप देखोगे कि ये ट्रे बैठ रही है, ये बैठ गई है। इसके बाद हमने क्या करना होता है, मदरबोर्ड। सबसे पहले हमने पावर सप्लाई को फिट करना है। ये है पावर सप्लाई, और इसको यहाँ से पावर सप्लाई देख लो कैसी होती है। ये पावर सप्लाई है, इसको पावर सप्लाई कहते हैं। तो इसको सबसे पहले हम पावर सप्लाई को फिट करते हैं। ये कैबिनेट है, और इधर क्या करेंगे, ये हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क को हम हमेशा ऐसे लगाते हैं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ऐसे नहीं लगाना है। ऐसे लगाने से हार्ड डिस्क ख़राब हो सकती है। तो सबसे पहले हार्ड डिस्क को हमने यहाँ पर बैठाना है। तो हमने हार्ड डिस्क को लगा दिया, नेट डिस्क के हम बाद में कसेंगे। जैसे हमने ये हार्ड डिस्क वो है, और यहाँ पर लगाते हैं डीवीडी राइटर। ये डीवीडी राइटर है, तो डीवीडी राइटर हम इसको यहाँ से आगे से लगाएंगे। तो अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको कैसे इसको फिट करना है। सबसे पहले हमने मदरबोर्ड को फिट करना है। मदरबोर्ड को हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे और इसको यहाँ पर इसके हिसाब से बैठाएंगे। जैसे ही बैठ गए, और फिर हम इसके सुराख देखेंगे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जैसे ये है, अगर इसके सुराख नहीं बैठ रहे तो हो सकता है ये ट्रे से ही नहीं बैठे। तो हम इसको फिर से निकालेंगे, और फिर इसको हम जब बाहर की तरफ को करेंगे इसके बाद हमने क्या करना है, मदरबोर्ड को इसको ऐसे आगे से फिट करना है। तो सबसे पहले अपने मदरबोर्ड को देखना है कि क्यों नहीं बैठ रहा है। इधर की कम आ रही है, छोटी आ रही है। इसका अर्थ है ये आपकी ट्रे जो है गलत है। तो आपने इस ट्रे को निकालना है, ये किसी और की है। जिसके साथ आई है उसको लगाना है। हमेशा हम उसी को लगाते हैं जो इसके साथ की होती है। इसको हम आगे की तरफ को ऐसे लगाएंगे। अब आप देखोगे कि मदरबोर्ड हमारा बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल फिट बैठ गया है। उसके बाद हमने इसके जो नेट टैन को टाइट करना है। ये नेट है इसके, इनको टाइट करना है। उसके बाद ये चारों नेट हैं, तो इनको हम ऐसे फिट करते हैं। आप इस वीडियो में सीख रहे हो कि हम कंप्यूटर को कैसे असेंबल करते हैं। नेट लगाने के बाद आपने क्या करना है, ये पावर केबल है, इसको कहते हैं पावर सप्लाई। तो इसको हम कैसे लगाते हैं, इसको उल्टा करके ऐसे इधर की तरफ देखोगे, इसमें लॉक लगा हुआ है बाहर की तरफ। इस लॉक को अटैच करना है इसके साथ। तो इसको हम ऐसे लगाएंगे, उल्टा लगाएंगे तो ये बैठेगी ऐसे। फिर इसको इसमें देखना है कि आपने, ये फोर पिन केबल है, फोर पिन केबल इसको कहते हैं, फोर पिन केबल। तो इसको हम बाहर की तरफ को लगाते हैं। इधर भी लॉक होता है आगे की तरफ को, ये आगे है, फोर पिन कनेक्टर होता है इसमें। तो इसको हम जिधर की तरफ को इसका लॉक होता है उधर की तरफ को लगाना है, आगे की तरफ नहीं। अपने पहले देखना है कि लॉक का कट किधर है, उसके बाद अपने क्या करना है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें, तो ऑडियो पोर्ट
आपने देखा ये ऑडियो पोर्ट के साथ एक पोर्ट होता है, इसको ऑडियो पोर्ट कहते हैं, ये एक्सटर्नल होता है, तो इसको हम यहाँ लगाते हैं, ये ऑडियो पोर्ट की तार है। तो ये जो तार है ये ऑडियो पोर्ट की तार है। इसके बाद यूएसबी लगानी है, तो यूएसबी ये देखोगे यहाँ पर लिखा होता है, ये यूएसबी है, ये जो दो पोर्ट है ये यूएसबी है, इनको आपने लगाना है। यूएसबी पोर्ट में कट होता है आगे की तरफ को, और ऑडियो पोर्ट में बीच में कट होता है, इसको लगाना है। इसके बाद मेन जो मदरबोर्ड की सेटिंग होती है वो क्या होता है, सबसे पहले आपने ध्यान देखना है, आपको मैं जो आज बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको अभी इंस्टीट्यूट में भी जाओ आपको ना कोई सिखाए। तो ये है रीसेट का, तो ये है पावर का, ये आईडी का है और एक पावर का भी है इसमें। ये है पावर का, पावर केबल को पकड़ना है। इसको कैसे लगाते हैं, पावर केबल को हमेशा देखना है कि जो कट के साथ होती हैं, ये जो कट है, इस कट के साथ पहली जो दो तारे हैं, इसको कट कर, जैसे ये देखोगे आप, मैंने इसको ऊपर की तरफ उठाया, ये इसके कट के साथ दो तारे हैं, इसके कट के साथ दो तारे हैं, इसी के साथ एक पीछे की तार दो तरफ है, ये रीसेट का है, इसी के साथ सामने वाली जो तारे हैं वो रीसेट की है। ये हर मदरबोर्ड की सेटिंग ऐसी, और जो एक तार बच जाती है इसमें कुछ नहीं लगाना अपने, और आपको और बता रहा हूँ मैं, और पीछे लिखा भी होता है आईडी, तो ये आईडी है, ये आईडी, इससे आगे एक आईडी होती है, और उसके बाद आप देखो कि दो तार और है, ये होती है, तो इसको आपने बंद करना है। तो इसको बंद करने के बाद आपने, जैसे ये फर्स्ट में दोनों हैं आईडी की हैं, ये भी आईडी की है, पावर आईडी की, और ये पहली जो है ये पावर की है, और ये रिस्टार्ट की है, रिस्टार्ट के आगे जो होता है पावर होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हार्ड डिस्क हमारी, हार्ड डिस्क को कौन सी केबल लगाते हैं, हार्ड डिस्क को हम इस केबल से अटैच करते हैं, कट की तरफ को हार्ड डिस्क को लगाते हैं, और इसके साथ एक साटा केबल होती है, उसको आपने इसमें लगाना है। तो साटा केबल भी मैं आपको बता देता हूँ, साटा केबल ये है, इसको हम मदरबोर्ड में लगाते हैं, ये देखो आपके सामने कट की तरफ लगाना, इधर का कट है तो इसको ऊपर की तरफ ही लगाना है, ये कट ऊपर को है, तो ये कट है, मैंने इसको ऊपर तरफ लगाना है। तो ऐसे हम ऐसे ही बैठ जाएंगे, अगर गलत कट लगाते हैं तो वो बैठती नहीं है। इसके बाद हमने इसको हार्ड डिस्क में लगाना है, जैसे मैंने ये हार्ड डिस्क की केबल है, तो हार्ड डिस्क को हमेशा ये देखना है कि ऊपर की तरफ को लगाना है, नीचे की तरफ को नहीं, जैसे मैंने ये हार्ड डिस्क को लगाया तो हार्ड डिस्क में बैठ जाएगा, तो बैठ गया। इसके साथ इसको लगा दिया, कट के साथ बैठाना है ये, ना कि आप ज़बरदस्ती लगा दो खराब हो जाए। तो ऐसे हम हार्ड डिस्क में लगाते हैं। तो आपने इस वीडियो में सीखा कि हम कंप्यूटर को कैसे असेंबल करते हैं, ऐसे हम सीडी और डीवीडी रूम में लगाते हैं। थैंक्स।